हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, फायर अलार्म पैनल नोटिफायर का। जो कोई भी डिटेक्टर होता है या कोई भी डिवाइस, उसको डिसेबल कैसे करते हैं। डिसेबल इसलिए किया जाता है कि कहीं अगर फॉल्स अलार्म बार बार आ रहा है, उससे परेशान हो रहे हैं और तो उसको डिसेबल कर सकते हैं, या कहीं मेरा उसमें डस्ट वगैरह बार बार आ रहा है या डस्टिंग वगैरह हो रहा है, उसको खोल नहीं सकते हैं और हाइट पे है वो, तो उसको हम डिसेबल कर सकते हैं। उसका हमें लूप और उसका लूप जो लूप नंबर मालूम होना चाहिए, उसका डिटेक्टर नंबर मालूम होना चाहिए, तो उसको पहले हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं पहले ये वाला डिटेक्टर है ना, मैं इसको डिसेबल करना चाह रहा हूँ। ये वाला डिटेक्टर मेरा वर्किंग पे है अभी, मैं इसको डिसेबल करना चाह रहा हूँ। तो मैं अब डिसेबल करके आपको दिखा रहा हूँ पैनल से इसको कैसे डिसेबल किया जाता है। डिसेबल करेंगे तो मेरा ये जो पॉइंट डिसेबल्ड है, ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, यानी ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। चलिए, मैं इसको डिसेबल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम मेन मेनू में जाएंगे, प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर से इसका जो पासवर्ड है वो डाल देंगे। उसके बाद हम पैनल प्रोग्राम मेनू और ये अलर्ट स्टेटस, हम अलर्ट स्टेटस में जाएंगे और यहाँ देखिए डिसेबल एंड इनेबल, तो हम इसी को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ नोड आता है, नोड दबा देंगे। मेरा नोड सेलेक्ट किया हुआ है 1, तो मैं 1 दबा दिया। अब मुझे लूप 7 का डिटेक्टर को डिसेबल करना है, लूप 7 और डिटेक्टर नंबर 1 डिसेबल करना है। नोड 1 लूप 7 डिटेक्टर नंबर 1, इसको हम यहाँ पहले डाल देंगे, डिटेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। इससे यहाँ पे आप मॉनिटर मॉनिटर या मॉड्यूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ये प्रेस करके। तो मैं डिटेक्टर कर रहा हूँ, डिटेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डिसेबल दिख रहा है, ये यहाँ पे प्रेस कर देंगे। अब देखिए पूछ रहा है, दिस कुड कॉम्प्रोमाइज विथ फायर प्रोटेक्शन, आर यू श्योर, यानी पूछ रहा है कि आप इसको फायर फायर आएगा तो इस ये एक्टिवेट नहीं रहेगा, नहीं हो पाएगा, तो वो ये पूछ रहा है इसको ये। तो मैं इसको यस कर रहा हूँ अभी। तो देखिए हमारा ये डिसेबल पॉइंट्स ऑन हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ इंडिकेटर है, ये ऑन हो गया अब डिसेबल पॉइंट्स करके। ये लाइट ऑन हो गया, अब एलईडी लाइट, मेरा ये पॉइंट डिसेबल हो गया है, ये डिटेक्टर डिसेबल हो गया है। अब हम इसको इनेबल करना चाहेंगे तो यहीं से इनेबल आता है, सेम जा करके इनेबल आएगा, यहीं से इनेबल प्रेस कर देंगे ये वाला बटन। अब मेरा ये इनेबल इन प्रोसेस, ऑपरेशन इन प्रोसेस, मेरा इनेबल हो गया। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट्स को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, डिसेबल करने के लिए सबसे पहले आपको नोड सेलेक्ट करना है, नोड। तो नोड सेलेक्ट करने के लिए नोड लूप एंड डिटेक्टर का सिलेक्शन होना है पहले। तो नोड सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले नोड का सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले नोड सेलेक्ट करने के लिए आपको नेटवर्क पैरामीटर में जाना पड़ेगा, प्रोग्राम अलर्ट स्टेटस में जाके प्रेस कर दिए। यहाँ देखिए नोड नेटवर्क पैरामीटर में चले गए, यहाँ जाके सेलेक्ट कर दिए, इसको प्रेस कर दिए। अब यहाँ नोड 0 0 है, तो मैं 1 इसमें नोड 1 करता हूँ, 001, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तब जा करके फिर वो उसमें डिसेबल में चले जाएंगे सेलेक्ट करने के लिए। नोड 1 से सेलेक्ट कर लेंगे 1। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट्स को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर नए हैं चैनल में तो मेरे चैनल पर जाके देखिए, बहुत सारे वीडियोस डला हुआ है नोटिफायर पे, और भी फायर फाइटिंग पे भी डला हुआ है, आप देख लीजिए जा करके। थैंक यू दोस्तों।